బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్టీరింగ్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేతిలోనే ఉందని, ఎంఐఎం పార్టీ స్టీరింగ్ ఎంపీ అజరుద్దీన్ చేతిలోనే ఉందని, కానీ బీజేపీ స్టీరింగ్ ప్రధాని మోదీ చేతిలో కాకుండా అదానీ చేతిలో ఉందంటూ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. హైదరాబాద్ మలక్పేటలో ఐటీ టవర్కు మంత్రి కేటీఆర్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశ ప్రధాని మోదీ తెలంగాణకు వచ్చి ఒక్క ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా ప్రకటించలేదని కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో మలక్పేట అంటే టీవీ టవర్ అనేదని, ఇప్పుడు మలక్పేట అంటే ఐటీ టవర్ అనేలా చేస్తామన్నారు. बीआरएस की स्टीयरिंग जो है केसीआर साहब के हाथों में महफूज है, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है. एमआईएम की स्टीयरिंग पूरी तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है. पर मसला इस बात का है कि जो बीजेपी का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चले गया, प्रधानी के हाथ में है नहीं है. अदानी साहब चला रहे हैं बीजेपी को और एनडीए को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको. एक्चुअली आज वो ये रहा है हिंदुस्तान में और ख़ास हमारे तेलंगाना में कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया, जब भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई और लोग आते हैं, दुख इस बात की होती है कि यहाँ की जो तरक्की है, यहाँ की जो प्रोग्रेस है, आज पर कैपिटा में तेलंगाना टॉप स्टेट है हिंदुस्तान में. 28 स्टेट में से वी आर द टॉप मोस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम 3,17,000 रुपीज. मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, आप एक ऐसी राज बता दीजिए बीजेपी का या कांग्रेस का जिन्होंने इतना तरक्की इतना जल्दी हासिल किया. ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट ये बात पक्का कहूँगा कि असद भाई ने जो दिल से बात कही कि इससे पहले कभी का एक बार ताने सुनने को मिलते थे कि यहाँ पे क्यों नहीं काम होता, क्यों नहीं आईटी टावर बनते. मैं आज आपसे वादा करता हूँ असद भाई, इसको 36 महीनों में 36 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, आपको हैंड ओवर कर देंगे. साथ ही साथ